हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो का पहला पार्ट जो था एंजॉय किया होगा आपने और आप कुछ सीखे होंगे। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। तो इसमें थोड़ा चेंजेस ये है कि पहले पार्ट में जो हम ड्राइंग कर रहे थे वो इस तरह से कुछ था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करके ये जो टॉयलेट ब्लॉक आपको दिख रहा है उसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है, तो कुछ इस तरह से। तो अभी इस ड्राइंग के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। विंडोज़ वगैरह डाल दिए है, छज्जा डाल दिया है, डोर्स भी डाल दिए है। अभी इसमें हम रूम की साइज और उसके नोटेशन जो है, नाम वगैरह है, वो दे देते हैं। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट यहाँ से आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं और कमांड से भी टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट देखिए, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक छोड़ दें और यहाँ से टेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बेडरूम, अभी इसकी साइज बेडरूम की क्या है वो मैं मेजरमेंट करके इसमें डालना है। तो यहाँ से डायमेंशन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देख लीजिए 9 फीट है, ये हमारा है 10 फीट। तो इसको जो बेडरूम लिखा है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एडिट मोड में ले जाएगा। और अगर इसके आपको टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी है तो ये जो 8 इंच लिखा है उसको अगर हम 6 करके एंटर दे देंगे तो ये टेक्स्ट छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अभी एंटर प्रेस करेंगे तो जैसे हम एक्सेल में एंटर प्रेस करने से या वर्ड में एक्सेल प्रेस करने से एक लाइन नीचे आ जाती है, ऐसे भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसका जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो है 10 फीट, यहाँ दिखा रहा है, फिर बाय 9 फीट और इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अभी ये पूरा एक साइड दिख रहा है। तो यहाँ से आप इसको मिडल एंड सेंटर कर सकते हैं। को भी डिलीट कर लेते हैं। यहाँ हो गया हमारा बाथरूम। तो अभी क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और सभी जगह पे एडिट कर लेंगे। तो कॉपी के लिए CO कॉपी बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और तो फिलहाल ऑफ कर दीजिए F8 प्रेस करके और सभी जगह पे आप उसको पेस्ट कर दीजिए। अभी ये जो टॉयलेट ब्लॉक है उसके मुकाबले जो हमारे टेक्स है वो बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ इसको प्लेस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो उसको हमें टेक्स की जो साइज है उसको कटना पड़ेगा। तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ से उसकी टेक्स हाइट घटा दें। तो अभी ये थोड़ा सही दिख रहा है। इसी तरह ये किचन है, तो पहले किचन का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो जनरली किचन का प्लेटफॉर्म है वो 2 फीट या
पौने 2 फीट की विड्थ रखते हैं, तो उसमें यहाँ से मैं ऑफसेट ले लूँगा। ऑफसेट के लिए वो प्रेस करेंगे 1.5 फीट, एंटर। ये हमारा, सॉरी मुझे 2 फीट लेना था, ओके। ये हमारा 2 फीट का ऑफसेट हो गया। फिर यहाँ हम फ्रीजर रखेंगे, तो फ्रीजर के लिए भी ऑफसेट लेके इसको बना लेते हैं। अभी यहाँ दोनों लाइन ट्रिम नहीं करनी है, सिर्फ एक ही कमांड से दोनों लाइन ट्रिम हो जाएगी। तो उसके लिए फिलेट कमांड का यूज करेंगे, तो टाइप करेंगे फिलेट। अगर आप सिर्फ एक टाइप करोगे तो भी फिलेट कमांड डायरेक्ट आ जाएगा। फिर जिस लाइन को हमें रखनी है उसकी, इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो एक्सेस लाइन है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक है। अभी हमारा किचन का प्लेटफॉर्म हो गया। अभी यहाँ इसकी जो टेक्स्ट की जो साइज़ है उसी को मैं यहाँ मैच प्रॉपर्टी के हेल्प से कॉपी कर लूँगा, तो ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा, हमें एडिट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो ऐसे। अभी यहाँ स्टेयरकेस ड्रो करेंगे हम, तो स्टेयरकेस का जो साइज है प्लॉट के हिसाब से थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ड्रो करना पड़ता है। तो मतलब सफिशिएंट है, 3 फीट का जो विड्थ रहता है हमारे स्टेयरकेस का, तो उसी के हिसाब से सही है। तो यहाँ से ऑफसेट लेंगे 2.5 फीट का जो रहेगा हमारा, फोयर के टाइप रहेगा, मतलब जो पोटला जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी ऑफसेट लेंगे 2.5 फीट। अभी जो ड्रॉ करेंगे वो स्टेयरकेस वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहाँ से वो मतलब हम शुरुआत करेंगे सीढ़ी पर चढ़ने की, और कहाँ किस तरह से वो सब हमें मेंशन करना पड़ता है, तो मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। अभी उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्टेयरकेस की डिज़ाइन करते पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है और IS स्टैंडर्ड की रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें ट्रेड और राइजर का कैलकुलेशन रहता है, जितनी हमारे पास स्पेस है उसके हिसाब से। तो जनरली जो ट्रेड रहता है वो 250 mm से कम नहीं होना चाहिए, और राइज की जो हाइट होती है उसकी जो हाइट है वो 190 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड बोलता है। बाकी प्लॉट की साइज और कितना स्पेस है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफसेट ले लूँगा 3 फीट का,
यहाँ से ड्रॉ कर लिए, इसे ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद ये जो हमारा, मैं भी दोस्तों ज़्यादा इसके कैलकुलेशन में डीप में नहीं जाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करके सीढ़ी का स्टेयरकेस का ड्राइंग कर दे रहा हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से, मैंने जैसे बताया कि स्टैंडर्ड कुछ फॉलो करने रहते हैं, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके डाल दीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा था, तो उसके हिसाब से मेरा ट्रेड जो है वो 9 इंच का हो रहा है। तो ऑफसेट का यूज करेंगे यहाँ पे, एंटर, यहाँ से सिर्फ ऐसे ऐसे क्लिक करते जाइए तो आपके स्टेयरकेस का हो जाएगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और अभी मैं इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी उसी हिसाब से मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम, एंटर, ये मेरा स्टेयरकेस ड्रॉ हो गया है। अभी अभी इसका पाथ हमें दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से आप चढ़ेंगे और किस तरह से स्टेयरकेस हमारा ऊपर चढ़ेगा। तो एक सिंबल में ट्रायंगल जैसे दिखाना पड़ेगा, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ट्रैक कर लेंगे और इसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इसे ट्रैक करके यहाँ से और यहाँ इस सर्कल को डिलीट कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, तो उसमें ड्राइंग में थोड़ा डार्क दिखाने के लिए इसमें हमें एचिंग कमांड की हेल्प से इसको थोड़ा डार्क फिल कर देंगे इसको। तो एचिंग के लिए एच कमांड का उपयोग करेंगे, टाइप करेंगे एच और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अभी जैसे आप एच कमांड का उपयोग करेंगे तो यहाँ आपको जो स्टैंडर्ड है ब्रिक मेसनरी फिर कॉन्क्रीट ब्लॉक ये सब आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल मेरे मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ ताकि ये डार्क में दिखे। और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ से इस साइड में अप जाना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और डबल क्लिक करेंगे सिर्फ। भी दोस्तों अगर आपको मालूम है तो जो लिंटल के ऊपर हमारी सीढ़ी जाती है जो, उसको हमें हिडन लाइन में दिखाना पड़ता है क्योंकि ये हमारा सेक्शनल प्लान है। उसमें हमको लिंटल के ऊपर जो भी चीज़ रहेगी उसको हमें, सपोज ये छज्जा है तो छज्जा लिंटल के ऊपर रहता है, लिंटल लेवल के ऊपर, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन में दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी सेम चीज अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे ट्रिम कर लूँगा क्योंकि अगर मैंने उसको इस लाइन को मैंने अगर डॉटेड किया एच कमांड सॉरी मैच कमांड की हेल्प से तो एक पूरी लाइन डॉटेड हो जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ 3 लाइन को ट्रिम कर लेता हूँ और नई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ।
अभी इसका ऑफसेट लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी लाइन टाइप चेंज कर लेंगे। अभी इसका सेल जो स्केल है वो थोड़ा घटा देते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी पैनल खुलेगा। ये प्रॉपर्टीज ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ ये पैनल खुल के आ जाएगा। तो उसमें जो उसका स्केल है यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो स्केल को थोड़ा बढ़ाएंगे, सॉरी घटाना है, 0.5 करके देखते हैं। देखिए तो ये सही दिख रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इसको थोड़ा हमें ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ती है। अभी इसको मैंने डॉटेड कर दिया है, अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी घटा देते हैं। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले इसको, फिर यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ टाइप भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो 70% लेता हूँ मैं, यहाँ 70 भी आप डाल सकते हो, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए। अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दिया मैंने, फिर से सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ 60 कर देते हैं। चलो अभी सही है, ये जब हम ड्राइंग करेंगे तब एकदम मस्त दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ हम सिंगल डोर नहीं डालेंगे, डबल डोर डालते हैं, मेन डोर है जो। तो डबल डोर आप कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ताकि हमें उसका मिडिल पॉइंट मिल जाए, और एक उसका मिडिल पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। इस लाइन को डिलीट करते हैं, अभी PL कमांड का यूज करें, यहाँ से ऑर्थोन ऑर्थोन करेंगे 2 इंच, एंटर, एक फिट 10 इंच, एंटर। अभी यहाँ जो हमने ड्रॉ किया वो सेम चीज़ यहाँ हमें बिना ड्रॉ किए लेनी है, तो इसका यूज़ करेंगे हमें मिरर कमांड। मिरर कमांड की हेल्प से आप इसका डायरेक्ट मिरर यहाँ दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे AY मिरर, अभी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यहाँ सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ मिरर लाइन यहाँ पे आपको आ गई है। और ऑटोकैड आपको पूछेगा कि आपने जो मिरर किया तो पहले की जो लाइन है उसे रखना है या नहीं रखना है, तो हमें नो क्लिक करना है ताकि वो लाइन एग्जिस्टिंग जित हुई वो ऐसे ही रहे। तो ये हो गए, अभी यहाँ से हम जो ओपनिंग है वो दिखा देते हैं। तो उसके लिए R कमांड यूज करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और तो ऑफ कर दीजिए, सॉरी स्टार्ट एंड डायरेक्शन यहाँ क्लिक करेंगे और तो ऑन कर दीजिए तो ऑटोमेटिक हो जाए। एक्चुअली मैंने थोड़ी गलती कर दी, बाकी इसी का पूरा मिरर दे देते तो अच्छा रहता, फिर कोई बात नहीं। इस लाइन को भी डिलीट कर दी और
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ से सीढ़ी का जो पाथ है हम वो दिखा देते हैं, तो पी एल फुल लाइन यहाँ से मिड पॉइंट, इसे रेंडमली आप क्लिक करते जाइए और इसे लाइन ड्रॉ करते जाइए पॉली लाइन कमांड की हेल्प से। और इसकी इस लाइन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 60% रख दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और पूरा ट्यूटोरियल अभी दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने से मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से चेकआउट करके देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thank you.